और जो कच्चे धागे फिल्म के अंदर जो अजय देवगन का घर अंदर अपनी गाड़ी जीप से लेके आता है धागे की। अजय देवगन माँ का घर बना था ये, यहाँ अजय देवगन लुहार का सीन। अच्छा, जो अजय देवगन का जो घर रहता है फिल्म में वो यही रहता है? यही रहता है। सैफ अली खान उनसे मिलने के लिए आता है यहाँ, इधर सामने गेट से उनसे मिलने के लिए आते हैं जी। तो यही घर फिल्म में दिखाया गया जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1999 के अंदर एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिल्म का नाम है कच्चे धागे। इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिले थे अजय देवगन, सैफ अली खान, नम्रता शिरोडकर, मनीषा कोइराला और गोविंद नामदेव इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिले थे। और अजय देवगन ने आफ्ताब का रोल प्ले किया था, सैफ अली खान ने धनंजय पंडित का रोल प्ले किया था, नम्रता शिरोडकर ने रागिनी का रोल प्ले किया था और मनीषा कोइराला जो हैं उन्होंने रुखसाना का रोल प्ले किया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं और जो फिल्म की शूटिंग लोकेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, फिल्म के अंदर उसे अजय देवगन का घर दिखाया गया है, यानी कि फिल्म में जो आफ्ताब का घर जो दिखाया गया है ना, आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो आज मैं आया हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के मंडावा के अंदर, और मंडावा के अंदर एक प्रसिद्ध हवेली है जिसे स्नेह राम लड़िया हवेली के नाम से जाना जाता है। ये आप पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और ये हवेली का नज़ारा है बाहर से, ठीक है। तो फिल्म के अंदर इसे अजय देवगन का घर दिखाया गया है और अंदर से बहुत से सीन शूट किए गए हैं, कुछ सीन यहाँ बाहर से शूट किए गए हैं। और बाहर के जो सीन आते हैं जब फिल्म में अजय देवगन सैफ अली खान को बुलाते हैं, ठीक है, जब वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं, तो जब सैफ अली खान यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये जो आप सामने वाला नज़ारा आप देख पा रहे हैं ना, ये सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। ये जो आप रास्ता आप देख पा रहे हैं, इस रास्ते से सैफ अली खान आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर जो भी लोकेशन यहाँ बाहर से और अंदर से हवेली से जो शूट की गई है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया आपने तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर आप फॉलो करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है स्नेह राम लड़िया हवेली जो कि मंडावा की एक फेमस हवेली है, और इस हवेली के अंदर बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, पंजाबी सॉन्ग की शूटिंग हुई है और बहुत से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शूट हो चुके हैं, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये एक फेमस हवेली है मंडावा के अंदर। अगर आप किसी को पूछेंगे स्नेह राम लड़िया हवेली के नाम से तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत हवेली है और इसी हवेली को फिल्म के अंदर अजय देवगन का घर दिखाया गया है। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, ये जो आप सामने रास्ता आप देख पा रहे हैं इस रास्ते से सैफ अली खान अपनी जीप के अंदर आते रहते हैं। तो फिल्म का एक सीन कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये जो सामने हवेली दिख रही है, इन हवेलियों का नज़ारा आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे ये कुआं है, इस कुएं का ये जो पिलर है इसे आप परफेक्ट स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। तो इस सीन के अंदर सैफ अली खान यहाँ सामने से आते रहते हैं अपनी जीप से, और ये जो दीवार है आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, सामने हवेली का जिस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है ना आप मैच कर सकते हैं। देखिए और एक सीन के अंदर देखिए कैमरा एंगल यहाँ से किया गया था, उस रास्ते से सामने से वो जीप आती रहती है। और देखिए ये जो आप सामने दो नीम के पेड़ आप देख पा रहे हैं इनका नज़ारा दिख रहा है, और ये सामने जो हवेली है इसका नज़ारा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। ये वही सीन है, तो इस रास्ते से सैफ अली खान की जीप आती रहती है, और इसके बाद देखिए कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार से किया जाता है। और इस घर को अजय देवगन का घर फिल्म में दिखाया गया है, तो अजय देवगन के घर सैफ अली खान आते हैं फिल्म में, यानी कि आफ्ताब के घर आते हैं धनंजय पंडित फिल्म के अंदर जो नाम रहता है। तो यहाँ पे सामने सैफ अली खान उतरते हैं गाड़ी से और फिर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप इस पेड़ के चारों तरफ ये जो चबूतरा आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे फिल्म में जो विलेन होते हैं यानी कि जो गुंडे होते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आफ्ताब यहाँ पे नहीं है, आफ्ताब से मिलना है तो हम आपको लेके चलते हैं। तो फिर वो सैफ अली खान को यहाँ से लेके जाते हैं और फिर वो मतलब उसे फंसा देते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये सीन होता है जो यहाँ फिल्म का बाहर से शूट किया गया है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। इस हवेली का नज़ारा दिख रहा है और ये जो पेड़ हैं इनका नज़ारा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे रहते हैं और अभी हम जाने वाले हैं इस हवेली के अंदर।
और हवेली के अंदर जो अजय देवगन का घर फिल्म में दिखाया गया है वो हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम हवेली के अंदर एंट्री कर रहे हैं और हवेली का जो भी नज़ारा रहता है ना अंदर से वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए ये वो खूबसूरत सी हवेली है और देखिए बेहद पुरानी ये हवेली है, मंडावा के अंदर एक प्रसिद्ध हवेली है, स्नेहराम लड़िया हवेली के नाम से इसे जाना जाता है। और देखिए ये देखो कितना शानदार नज़ारा है। यहाँ पे एक पंजाबी सॉन्ग शूट हो चुका है, लारे सॉन्ग यहाँ पे हुआ था, वो शूट है ना, ये लारे के अंदर पूरा शूट है। अच्छा, और जो कच्चे धागे फिल्म के अंदर जो अजय देवगन का घर अंदर अपनी गाड़ी जीप से लेके आता है, वो हाँ। के अंदर जाता है। अच्छा चलो एक बार दिखा देते हैं। और यहाँ पे और बहुत से एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे शूट होते हैं। ये देखो हवेली के अंदर का नज़ारा, देखिए क्या मतलब फीलिंग है इसे देख के, राजा महाराजाओं की फीलिंग आ रही है मुझे सच में। तो जाने की हमें परमिशन मिल चुकी है और देखिए ये नज़ारा इस हवेली का, देखिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको सब इस हवेली का पूरा नज़ारा भी दिखाऊंगा और फिल्म के अंदर जो सीन यहाँ से दिखाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिल्म के अंदर जो सीन दिखाए गए हैं वो यहाँ अंदर से दिखाए गए हैं और अभी जो मैंने आपको सीन दिखाया वो देखिए यहाँ से दिखाए गए। तो अभी हम इस हवेली के अंदर और एंट्री करते हैं क्योंकि ये हवेली बहुत बड़ी है, ठीक है, पीछे तक ये हवेली है। गणेश जी की प्रतिमा ऊपर यहाँ पे लगी हुई है और ये देखो इन्हें आप देख सकते हैं, ये मतलब कितने पुराने गेट हैं और इनके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और अभी हम फिल्म की उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं जिस जगह फिल्म के अंदर अजय देवगन का घर रहता है और फिल्म के अंदर जहां से सीन शूट किए गए हैं। तो ये वो पूरी लोकेशन है, यहीं पे अजय देवगन काम करते हैं इस जगह और यहां पे उनकी माँ रहती है। और फिल्म के अंदर सैफ अली खान जब आते हैं अजय देवगन से मिलने यहीं पे आते हैं और कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे फाइट होती है अजय देवगन और सैफ अली खान के बीच में, वो सब सीन इसी हवेली से शूट किए गए हैं। इस घर वो फिल्म के अंदर अजय देवगन का घर दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा ही दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीन दिखाऊंगा। देखिए इससे आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी ये चीज़ है, यहाँ पे देखो ये वो चरखा है, ये है ना, ये वो चरखा है, ये देखिए चेयर्स। और हवेली के अंदर ये देखिए जो, और मतलब मुझे तो देख के बेहद ही अचंभा हो रहा है। यहाँ पे इनके ऊपर जो चित्रकारी वगैरह हो रही है और इसका जो आर्किटेक्चर है देखिए कितना शानदार है। देखो ये क्या है, इसके अंदर ये प्रिंट होता था, पानी रखने के लिए हवादार है, पानी इसमें रखता, वो किचन होता था, ये प्रिंट होता था जाली की किचन, वो है ना वो उधर, हाँ वो किचन होता था। और ये जैसे ठंडा पानी रखने के लिए मटके यहाँ पे रखे जाते थे, है ना, हवा लगती ना, तो मतलब हवा यहाँ से लगती थी और पानी को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी रहे, मतलब पहले तो फ्रीज वगैरह तो होते नहीं थे। तो ये देखिए मटके भी हैं इसके अंदर, दिख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन मुझे दिख पा रहे हैं मटके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो किचन हुआ करता था पहले हवेली के अंदर, किचन का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए ये उस टाइम की रसोई हुआ करती थी यहाँ पे।
तो दोस्तों फिल्म के अंदर जो सीन यहाँ से शूट किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। फिल्म का एक सीन देखिए यहाँ से दिखाया गया है, जब सैफ अली खान अजय देवगन के घर आते हैं तो देखिए जिस गेट से सैफ अली खान आते हैं ना, तो ये जो आप सामने गेट आप देख पा रहे हैं, इसी गेट से सैफ अली खान अजय देवगन के घर के अंदर एंट्री करते हैं फिल्म के अंदर। तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या आप मैच करेंगे वो मैं आपको मैच करवा देता हूँ। देखिए इसे आप मैच कर सकते हैं, ये जो गेट है ना इसे आप मैच कर सकते हैं, और इस वाले गेट को तो आप उसी प्रकार से मैच कर ही सकते हैं। और देखिए ये जो दो गेट है ना इधर, इन्हें आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मतलब कुछ लोहे के पीपे यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, तो वो सीन यहाँ का होता है। इस गेट से सैफ अली खान यहाँ पे एंट्री करते हैं। और देखिए ये जो आप जगह आप देख पा रहे हैं ना, ये खाली जगह, यहाँ पर अजय देवगन खड़े रहते हैं और सैफ अली खान इधर से एंट्री करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। देखिए इस जगह को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और देखिए ये जो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनी हुई ना इस दीवार के ऊपर, आप परफेक्ट उसी प्रकार से स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। यहाँ पे वो लोहे के पीपे यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, और ये जो दो गेट आप देख पा रहे हैं इनका उसी प्रकार से नज़ारा दिखता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सैफ अली खान और अजय देवगन के बीच में यहाँ पे फाइट होती है। ठीक है, तो फाइट के सीन कुछ इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। देखिए ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की के अंदर एक लोहे की कुल्हाड़ी रखी हुई रहती है, और उस कुल्हाड़ी को सैफ अली खान उठाते हैं और फिर दोनों के बीच में फाइट होती है। एक सीन के अंदर देखिए अजय देवगन यहाँ पे जब खड़े रहते हैं तो ये नज़ारा दिखता है। देखिए मैं जूम कर देता हूँ एक बार, इसे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में अजय देवगन खड़े रहते हैं, और ये जो सामने सीढ़ियाँ हैं इन्हें आप मैच कर सकते हैं, और ये गेट आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। ये जो किचन का जो सीन है ना आप मैच कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए एक और सीन मैं आपको मैच करवाना चाहता हूँ, जब यहाँ पे सैफ अली खान और अजय देवगन के बीच में फाइट होती है ना, तो जब सैफ अली खान वो लोहे की कुल्हाड़ी उठाते हैं तो इस खिड़की के अंदर वो लोहे की कुल्हाड़ी रखी हुई रहती है, और देखिए इसे आप मैच कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ ना, ये देखिए उस टाइम भी यहीं पे लगा हुआ था और अभी भी यहीं पे लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। और उसी प्रकार से लगा हुआ देखिए, जिस प्रकार का सीन है ना ये, जैसे जैसा है वैसा अभी भी है, मतलब कुल मिला के बात है। और एक सीन के अंदर देखिए ये जो आप पेंटिंग आप देख पा रहे हैं इसका नज़ारा दिख रहा है, सैफ अली खान जब यहाँ पे रहते हैं, देखिए यही वह पेंटिंग है। ठीक है, और जब यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होती है और सैफ अली खान अजय देवगन को मारने लगते हैं, उसी टाइम यहाँ पे अजय देवगन की माँ आती है। तो जहाँ से उनकी माँ आती है ना, वो सीन अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आप सामने आप सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं ना, इन्हीं सीढ़ियों से फिल्म में अजय देवगन की माँ उतर के आती है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। देखिए ये गेट आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, इन सीढ़ियों को आप मैच कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको परफेक्ट मैच करवा देता हूँ इन सीढ़ियों के अंदर। देखिए ये, देखिए ये एक खिड़की सी बनी हुई है यहाँ पे जो दिख रही है, उसी प्रकार से आप मैच कर सकते हैं इसे भी। और तो उन सीढ़ियों से अजय देवगन की माँ उतर के आती है, और फिर अजय देवगन यहाँ से जाते हैं अपनी माँ की तरफ, और फिर अपनी माँ का हाथ दिखाते हैं सैफ अली खान को, जो फिल्म में जो विलेन होता है जो वो उसे अंगुली काट देता है शायद, तो वो सीन रहता है, तो हाथ दिखाता है। और फिर वो बताते हैं यहाँ पे कि मतलब किस वजह से उन्होंने सैफ अली खान को बुलाया था यहाँ पे फिल्म में। ठीक है, तो ये सीन होता है यहाँ का, कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे फिल्म में विलेन की एंट्री होती है, फिल्म में जो गुंडा होता है वो यहाँ पे आता है और फिर सैफ अली खान को यहाँ से लेके जाता है पकड़ के। दोस्तों जब फिल्म में यहाँ पे विलेन की एंट्री होती है, तो फिल्म में जो विलेन होता है वो देखिए इस गेट से अंदर आता है, और यहाँ पे सैफ अली खान और अजय देवगन खड़े रहते हैं, और उन सीढ़ियों के अंदर उनकी माँ खड़ी रहती है। और ये सीन हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। यहाँ से वो सीन दिखाया गया है, और इसके बाद वो मतलब रिवॉल्वर तानता है। देखिए ये सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है, ये जो सामने आप लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये दिख रही है लोकेशन, उसी प्रकार से ये जो गेट है आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और फिर जो विलेन होता है वो यहाँ से
सैफ अली खान को लेके जाता है, ठीक है। तो इस गेट से फिर वो चले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से फिल्म के कुछ नाइट के सीन भी शूट किए गए हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों फिल्म के अंदर नाइट का जो सीन यहाँ से दिखाया गया है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे नाइट में अजय देवगन यहाँ पे काम करते रहते हैं फिल्म के अंदर इसी जगह, ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे। और फिर उनकी माँ उन सीढ़ियों से उतर के आती है और उन्हें एक सच्चाई बताती है, ठीक है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको ध्यान हो गया होगा, तो उन्हें यहाँ पे सच्चाई बताती है। और फिर जो अजय देवगन होते हैं वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो फिल्म का वो जो सीन है यहीं से दिखाया गया है, देखिए आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, यहीं पे अजय देवगन काम किया करते थे फिल्म के अंदर। और उन सीढ़ियों से उनकी माँ उतर के आती है और इसके बाद अजय देवगन अपनी माँ के ऊपर गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे सुबह होती है और सुबह होने के बाद यहाँ पे फिल्म में जो विलेन होता है, जो गुंडा होता है, वो यहाँ पे आता है और फिल्म में जो अजय देवगन की माँ होती है उसके ऊपर रिवॉल्वर तानता है। वो सीन फिल्म का देखिए यहीं से दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, परफेक्ट देखिए आप मैच कर सकते हैं। ये जो इधर किचन का जो सीन दिख रहा है ना, इसे आप मैच कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे एक खिड़की टाइप में जो बना हुआ ना सीन, इसे आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं, ये पिलर वगैरह। और जब वो विलेन अजय देवगन की माँ के ऊपर रिवॉल्वर तानता है फिल्म में, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए अजय देवगन आते हैं। तो अजय देवगन देखिए अपने सर के ऊपर हाथ लगाते हुए इस गेट से एंट्री करते हैं, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं उसी प्रकार से, परफेक्ट देखिए मैं आपको मैच कर रहा हूँ। देखिए इसे आप मैच कर सकते हैं, ये जो है ना मैच कर सकते हैं। और फिर ये सीन होता है और इसके बाद यहाँ पे जो अजय देवगन होते हैं वो सैफ अली खान को बुलाते हैं। तो अभी जो मैंने पहले आपको सीन दिखाए थे ना, वो फिल्म के बाद में आते हैं, इन सीन के बाद में, लेकिन मैंने आपको अब दिखाए हैं। दोस्तों अभी मैं आपको उन खास शख्स से बात करवाने वाला हूँ जो न केवल इस हवेली के अंदर रहते हैं बल्कि खुद इन्होंने कच्चे दागे फिल्म की शूटिंग होते हुए यहाँ पे देखी थी। तो ये वो शख्स हैं और इनसे हम बात करते हैं फिल्म शूटिंग लोकेशन के बारे में और इस हवेली के बारे में, ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? महावीर शर्मा। महावीर शर्मा, तो ये हवेली आपकी है, आप ही हवेली? जी जी जी। तो दोस्तों इस हवेली के जो मालिक हैं, ओनर है, ये ही हैं और इन्हीं की इस हवेली के अंदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो सर हम जानना चाहते हैं यहाँ पे कच्चे धागे की फिल्म की शूटिंग हुई थी। कच्चे धागे की अजय देवगन माँ का घर बना था ये, यहाँ अजय देवगन लोहार का सीन। अच्छा, जो अजय देवगन का जो घर रहता है फिल्म में वो यही रहता है? यही रहता है। सैफ अली खान हाँ उनसे मिलने के लिए आता है यहाँ। हाँ, इधर सामने गेट से उनसे मिलने के लिए आते हैं जी। तो यही घर फिल्म में दिखाया गया है। यहाँ पे कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है? यहाँ अपन खड़े यहाँ तो एक तो फेविकोल का एडवर्टाइज हो गया। हाँ, लारे का शूटिंग हो गया। हाँ, जब भी मेट का हो गया। अच्छा, लव आजकल, पिक्की, बजरंगी भाईजान। हाँ, मनोरमा, बहुत सारे फिल्मों का हो गया यहाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह होते? बिल्कुल होते हैं, लारे का गाना यही हुआ है। तो जब यहाँ पे कच्चेदा की फिल्म की जब शूटिंग हुई थी तो जब यहाँ पे कौन कौन से एक्टर यहाँ पे आए थे? अजय देवगन है, सैफ अली खान है, ये हीरोइन है, दो तीन वो आई थी यहाँ। हाँ हाँ, तो मतलब और कितने दिन यहाँ पे शूटिंग हुई थी? 22-23 दिन इस हवेली के अंदर। जी 22-23 दिन। तो जब यहाँ पे शूटिंग होती थी तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? पहले बहुत होते थे। बहुत होते थे, बहुत लोगों के आसपास के गांव के लोग बहुत देखने के लिए आते थे। अच्छा, अब तो कम हो गया उनका। हाँ हाँ, पहले बहुत देखने के लिए आते थे। तो जैसे उस टाइम में अजय देवगन और सैफ अली खान वगैरह आए थे तो वो जैसे रुकते कहाँ पे थे, खाना वगैरह कहाँ पे खाते? यहाँ हमारे गढ़ है होटल। हाँ, कासल बोलकर उसमें रुकते थे। ये मंडावा फोर्ट पीछे? जी, यहाँ पे रुकते थे। जी। अच्छा, तो जैसे उस टाइम में जब अजय देवगन यहाँ पे आए थे तो आपने फोटो वगैरह खींची थी क्या? बिल्कुल खींची, अभी भी हमारे पास है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा, और आप इस हवेली के बारे में बताओ, जैसे कितनी पुरानी ये हवेली है? ये 160-170 के बीच में लगभग 160 ईयर्स जी ये हवेली है जी। और ये जो मतलब इस हवेली के ऊपर ये जो पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, चित्रकारी है, मतलब उस टाइम की है या बाद में आपने? उस टाइम की है। उसी टाइम की? उसी टाइम की है। अच्छा, उसके बाद में मतलब आपने कोई भी कुछ नहीं किया? हमने चेंज नहीं किया कुछ ही। तो अभी भी यहाँ पे कोई फिल्मों की वगैरह शूटिंग होती है मतलब? हाँ, अभी चलता रहता है, परसों पहले दिन हरियाणा गाना हुआ है, अब कल पंजाबी गाना आ रहा है, ऐसे आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, दोस्तों अगर आप कभी मंडावा के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। ये एक प्रसिद्ध हवेली है, स्नेह राम लड़िया हवेली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं और
अगर आपको कोई सॉन्ग वगैरह शूट करना है तो आप अंकल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके, और लोकेशन को विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत लोकेशन है, और जब आप इस हवेली के अंदर आएंगे ना तो मतलब एक राजा महाराजाओं के टाइप का आपको फीलिंग्स यहाँ पे होएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत हवेली है। देखिए यहाँ पे सामने जो पुराने ज़माने में जो चरखे होते थे ना, वो देखिए अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है एक सामने। और ये हवेली का नज़ारा है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को हवेली के अंदर आने की परमिशन दी, दिखाया सब कुछ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।